मैं एपटेक गार्डन से बात कर रहा हूँ, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फैशन क्रेडल है, जो PHP पे बनी है। और हमने हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे फीचर्स है, और जो हमारा मेन सेलिंग पॉइंट है, मार्केट सेलिंग पॉइंट है, जो भी आप कह लें, वो है कि हम हमारे क्लाइंट्स को, हमारे यूजर्स को, हमारे वेबसाइट में जो भी आते हैं उनको एक ऑप्शन देते हैं कस्टमाइज का। और जब यहाँ पे आप कस्टमाइज करेंगे एक प्रोडक्ट, तो जैसे फॉर सपोज अभी ये बैग है, तो आप बहुत तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कलर चूज़ किया है, यहाँ पे आपने कोई भी कलर चूज़ किया, फॉर सपोज ये 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 कोई भी आप करेंगे, तो वो डायरेक्ट बैग पे शो हो जाएगा। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि सारे कलर जितने भी आप चूज़ करेंगे वो सारे ही बैग पे आ जाएंगे। सही है, ये बैग हमारा पर्पल कलर का है। और यहाँ पे फॉर सपोज अभी मेरे पास एक कोडिंग की इमेज है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई दूसरी इमेज अवेलेबल नहीं थी। तो अभी फॉर सपोज आपके पास एक VS स्टूडियो की एक कोडिंग की इमेज है जो आपने यहाँ पे पेस्ट की। अभी इमेज बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको उसके अंदर बहुत सारे खुद के मन से आपको कुछ चाहिए होता है। तो फॉर सपोज आपकी कोई फैमिली इमेज है जो बहुत यूजर्स प्रिफर करते हैं कि हमारे पास कोई, सॉरी, फैमिली इमेज हो, या आपकी कोई फेवरेट टीवी सीरीज, या जो अभी बहुत मशहूर है फ्रेंड्स, जैसे फॉर सपोज फ्रेंड्स हो या बिग बैंग थियरी हो, ऐसे कोई सीरीज हो, टीवी सीरीज हो, और उसका आपको कैच फ्रेज बहुत पसंद हो, शी इज़ माई लॉबस्टर, वो सब जो होता है वो भी आप इजीली रख सकते हैं आप, और उसको एक डिजाइनेबल बैग बना सकते हैं। यहाँ पे आपने अब जाके इसको डिलीट किया क्योंकि आपको नहीं चाहिए, बट आपको एक दफ़ा और बता देता हूँ कि यहाँ पे इजीली ये ड्रैग एंड ड्रॉप का भी फंक्शन है। और यहाँ पे आपने ये इमेज रखी, इसको ऐड टू कार्ट किया, हमारे पास ऑलरेडी कार्ट में ये हुडी है, बट हम एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं, ये ऐड हो गया व्यू कार्ड डिटेल्स। तो हमारे पास ये अभी जो पहले बनाया था हुडी, वो हुडी है आपके पास, जो जिसमें मैंने मेरी थोड़ी कस्टमाइज चीज़ की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कलर है, आपको हेक्स कोड मिल जाएगा, उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी, नंबर स्टेजेस मिल जाएंगे, और आपने अभी इसको फॉर सपोज और एडिट करना है आपको, तो ये कर लिया, बट आपको अभी कार्ड डिटेल्स, ठीक है, कार्ड डिटेल ये एडिट करना है, ये जो मैंने हुडी बनाई थी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये हुडी आ गई। अब मैंने ये हुसैन का जो टेक्स्ट है वो कैसे रखा है, यहाँ पे आप जाके, यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट ऑप्शंस है, कोई भी आप एक सेलेक्ट करके आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 10 मेस्सी वाला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेस्सी से हटा के रोनाल्डो लिख दिया था, बट यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, हुसैन लिख देते हैं मेरा नाम। और अब ये जो आपने अभी इसको आप देख सकते हैं कि दोनों जो इमेजेस है वो कोलाइड हो रही है, तो हमने एक लेयर्स का ऑप्शन दिया है, जो लेयर आपको लॉक करनी हो, आपको रखनी हो, वो आप रख सकते हैं, जिसको आपको नहीं रखनी हो या ऊपर लानी हो। देखें, ये मेस्सी को मैं ऊपर लाया तो ऊपर आ गई, ये 10 नंबर को मैं ऊपर लाया तो वो ऊपर आ गई, 7 नंबर, सॉरी, रेड कलर है ना, 7 नंबर, ये जो 7 है वो ऊपर आ गया, और ये जो रोनाल्डो है वो ऊपर आ गया रेड कलर में। अब आपने ये डिलीट किया क्योंकि आपको नहीं चाहिए, आपको ये भी नहीं चाहिए, आपको इसी में कोई अलग कलर चाहिए, तो आपने यहाँ पे गए, आप यहाँ पे ऑरेंज कलर कर दिया इसको, सिंपल, और ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे आपने शेप्स, शेप्स के अंदर मैंने अभी ये लाइन यूज़ किया है, आप बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट, जैसे ये जो है ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको ये फैल्कन है, बर्ड है, ईगल है, वॉट एवर, मोस्ट प्रोबेबली फैल्कन है, तो ये आपने ये कलर को, आपने कोई भी कलर चूज़ कर दिया इसमें, या तो आपको कोई कलर इसमें देखना है कि भाई ऐड फिल कलर्स या स्ट्रोक कलर्स, तो आपने ऐड स्ट्रोक कर दिया, ग्रीन स्ट्रोक आपको ज़्यादा चाहिए तो आपने ग्रीन स्ट्रोक ज़्यादा कर दिया, फिल कलर आपको ज़्यादा चाहिए आप कलर चूज़ कर दें कि भाई नहीं मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो मैं थोड़ा पर्पलिश, या तो आप RGB डायरेक्ट कर दे कोड, जो मैं करता हूँ 0 0 और 0, ये डार्क आ गया, ब्लैक आ गया पूरा, और यहाँ पे स्ट्रोक आपने थोड़ा भरा दिया तो ये थोड़ा 3D इफेक्ट आ गया, और आपने इसको डन किया। अब डन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा ग्रीन कलर हमने चूज़ करना इसीलिए नहीं आ रहा था, तो हम स्ट्रोक का अलग कलर चूज़ कर देते हैं, लोड मोड में टाइम, बट यू गेट द पॉइंट के स्ट्रोक और हमारे फिल भी होते हैं इजीली।
अब हम जाते हैं ड्राइंग्स के ऊपर, जो बहुत सारे होते हैं जिनको कोई ड्राइंग चाहिए, कोई ऐसा कोई पेन में कोई साइन चाहिए या कुछ भी डिफरेंट, ये बहुत सारा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मास्क है वो इतना ही अलाउ करता है एडिटिंग को, और अगर बाहर जाएगा तो वो उसको नहीं लेगा, और इजीली आप अंडू कर देते हैं तो अंडू हो जाएगा, जितना भी हमने किया था वो अंडू हो जाएगा। और यहाँ पे आप लेयर्स पे भी आप कर सकते थे, बट मैंने इजी आपको अंडू करके दिखाया। अब फाइल को आपको इम्पोर्ट करनी हो या सेव डिज़ाइन करनी हो, पे जैसे आपने ये वाली चूज की तो ये वाला कलर थोड़ा वो हो गया, मैं आपको डार्क करके दिखाता हूँ। ये कलर ये हो गया, थोड़ा डार्क कर देते हैं, और रेड, यस ये वाली फॉन्ट आ गई। अब हमें कोई दूसरी फॉन्ट चाहिए जैसे ये, तो ये आ गया, स्पायरेक्स आ गया, बहुत सारी अलग है, तो ये सारी डिफॉल्ट फॉन्ट्स यहाँ से आ रही है जो हमने सेट की है। और आप भी कोई भी दूसरे फॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट बेस है जो हमारे पास, अब हम 7 या 8 8 प्रोडक्ट्स हम अलाउ करते हैं किसी भी यूज़र को कस्टमाइज़ करने के लिए, तो आपके पास यहाँ पे सारे कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। जैसे ये एक्टिव है अभी, ये डीएक्टिव है, ये कैप है हमारे पास, ये मोबाइल फ़ोन केसेस है, ये हमारे पास शर्ट्स है, ये मग्स है, और ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आप एडमिन पैनल पे देख सकते हैं। पिलो का भी ऑप्शन है बट हमने अभी डीएक्टिव किया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास शूज़ का भी ऑप्शन है, आप इजीली इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और स्टिकर्स का भी आखिरी में दिया है। अब हम ऑर्डर्स के अंदर जब कोई प्लेस ऑर्डर करे हैं तो आपके पास यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी कि उस पर इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये वाली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है आपके लिए। सही है। अब प्रिंटिंग टाइप, शेप्स और शेयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने भी अगर शेयर किया हो आपके पेज को, यहाँ पे आप बग भी कर सकते हैं, बग्स रिपोर्ट अगर आपकी नहीं चल रही वेबसाइट या कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हो। और आपने जैसे वर्डप्रेस के अंदर हम प्लगइन्स एड ऑन्स करते हैं, तो आप यहाँ पे भी एड ऑन कर सकते हैं इंस्टॉल में या एक्सप्लोर के अंदर ईजी। और बहुत ही वास्ट और बहुत ही अपडेटेड वर्जन ऑफ डैशबोर्ड हमने बनाया है यहाँ पे,
और आप इजीली इस पे साइन आउट और लॉग इन भी कर सकते हैं, और बैक टू होम आपको हमें ये वेबसाइट पे ले जाएगा। होपफुली यू लाइक आवर प्रोजेक्ट एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस।